दिवाली के मौके पर इसरो ने देशवासियों को खुश होने का एक और मौका दिया। दरअसल जब देश भर में लोग दिवाली पर रॉकेट चलाकर खुशियां मना रहे थे, उस वक्त इसरो ने भी एक रॉकेट के जरिए एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया। भारत का संचार उपग्रह GSAT-15 फ्रेंच गुयाना के पूर्व अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से कामयाबी के साथ प्रक्षेपित किया गया। इसको एरियानी 5 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया। GSAT-15 को बिना किसी चूक के अंतरिक्ष में पहुंचा दिया गया। GSAT-15 को इसके सहयात्री ArabSat-6B को अंतरिक्ष में भेजे जाने के बाद जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर कक्षा में प्रक्षेपित किया गया। इसरो ने कहा कि उड़ान के समय कुल 3164 किलोग्राम के वजन वाला GSAT-15 इनसेट इस प्रणाली में शामिल किए जाने वाला उच्च क्षमता संपन्न उपग्रह है। इसमें कई बैंड के 24 संचार ट्रांसपोर्टर हैं और ये गगन यानी GPS एडेड जियो ऑग्यूमेंटेड नेविगेशन पैलोड L1 और L5 से संचालित हो रहा है। GSAT-8 और GSAT-10 के बाद GSAT-15 ऐसा तीसरा उपग्रह है जो गगन पैलोड लेकर गया है। इसमें KU बैंड वाला प्रकाश स्तंभ भी लगा है ताकि जमीन पर लगे एंटीना को उपग्रह की ओर सटीक ढंग से संतुलित किया जा सके। फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब फॉलो एंड लाइक।